साथियों को जय भीम लाल सलाम। मैं आप सबको खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी को सलाम करती हूँ। आप वो टीचर हैं, आप स्टूडेंट बन गए, यही हमारे देश को आप देश को बचा पाएंगे, देश को बचा पाएंगे, इसकी सभ्यता को बचा पाएंगे। और इसमें सही मायने में जमहूरियत लाएंगे, सही मायने में आजादी लाएंगे, जो हमें कभी नहीं मिली साथियों सदियों से, जो यहाँ पर गैर बराबरी चल रही है, जिस तरह से समाजवादी सोच चल रहे हैं, जिस तरह से ऊंची जात ये जाति प्रथा बनाई गई ताकि आम जनता को उछल के नीचे रखा जाए, उनको शिक्षा से और हर सत्ता से वंचित किया जाए। साथियों आजादी जब हम लोगों को विशिष्ट मिली उसके बाद आजादी लोगों तक नहीं पहुंची है और दो तीन कोशिशें की, सही मायने में आजादी लाने की एक बेहतरीन संविधान बनने के बावजूद वो उसका कोई भी उस पर प्रोग्रेस नहीं हो पाया। थोड़ी कोशिश ये हुई कि शिक्षा को सब तक पहुंचाने के लिए पब्लिक फंड जो सरकार खर्च करती है वो स्कूल और कॉलेज बने, लेकिन थोड़े ही समय में जिन लोगों ने उसके सत्ता अपने हाथ में ली, जो अंग्रेजों से भी ज्यादा ऊंचा अपने आप को समझते हैं, जो इस देश को सरकार में सत्ता मिली है, उन्होंने उनको आगे लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। और सबसे बड़ा प्रहार लोगों के हक में इनके जनता के स्कूलों और कॉलेजों को खत्म करने की कोशिश है। साथियों मैं सिर्फ इस बात पे थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगी, बहुत बड़ी साजिश इस देश के युवा के खिलाफ चल रही है। जब भी थोड़ी थोड़ी कोशिश होती है कि वंचित जनता ऊपर उठने की कोशिश करे, जैसे मैं तो बहुत सालों के बाद उनको भी आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया जाता है, जैसे बड़े कजूला के साथ और सैकड़ों ऐसे बच्चों के साथ किया गया। साथियों इस देश को अंधकार में ले जाया जा रहा है और मैं शिक्षक आंदोलन की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, देश के सारे शिक्षक इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं उनकी कुछ भी विचारधारा, देश के सारे शिक्षक इस सोच के खिलाफ, इस पॉलिसी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिससे सरकार फंडिंग खत्म करके लाखों लाखों सरकारी स्कूल बंद करके और अब कॉलेजेस को भी बंद करना शुरू कर दिया है इन्होंने। क्या पढ़ने के लिए पढ़ का आपने बात कर दिया था, ये बंद करना का पैसा है, वो आज का पैसा है, आप काट देते हैं चाहे वो केयर कमीशन या कानून तरीके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जनता का पैसा है और जनता को तय करना है कि ये पैसा कहाँ जाएगा। जनता ये तय करेगी, ये जनता के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके सपने राज्य तक के लिए ये पैसा इस्तेमाल होगा और इस सरकारी स्कूलों को दोबारा जिंदा करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में कुछ कोशिश हुई है, मेरे बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन वहां भी एक युवा लड़की हमारी स्टूडेंट ने आविष्कार लेना, उसने ऐसा बढ़िया काम किया है कि दिल्ली में बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल खोल के सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। यही वही हमें पूरे देश में लानी है, हमारे हेल्थ केयर को खत्म किया जा रहा है, सिर्फ महंगे महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं और इस तरह से लूट रहे जनता को, और ये हम लोग ढाके मारी, हमारा आंदोलन हेल्थ केयर स्वास्थ्य सर्विसेज का होना चाहिए और उसमें भी थोड़ी सी पहल दिल्ली में हुई है, यही चीज पूरी